पाठ्यक्रम में स्नातक और परस्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के संदर्भ में सोमवार को फैसला किया जाएगा। राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने आज बताया कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के तौर तरीके की घोषणा सोमवार को की जाएगी। कोविड 19 महामारी के साथ जारी जंग के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति होगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में सीबीआई 9 दिनों से जांच कर रही है। मामले में मुख्य आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से आज भी 7 घंटे पूछताछ की गई। शुक्रवार को रिया से 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी, उनसे रविवार को भी पूछताछ की जा सकती है। गणेशोत्सव में बाजारों में रौनक रहती है, इस दौरान करोड़ों का कारोबार होता है। हालांकि इस बार कोविड से कारोबार पर ग्रहण लगने का डर था। प्रतिमाओं की ऊंचाई में कमी और कार्यक्रमों को रद्द करने के निर्णय से उत्साह कम था, लेकिन लॉकडाउन की तुलना में अच्छा कारोबार है। व्यापारियों का कहना है कि उत्सव में कोविड को लेकर हमें डर था, लेकिन ग्राहकों में डर नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत हर साल जिला परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश दिया जाता है। इस बार कोविड 19 की वजह से स्कूल शुरू नहीं हो पाए, जिससे समग्र शिक्षा अभियान का बजट मंजूर होने के बाद भी गणवेश निधि शिक्षा विभाग को नहीं मिली। तुकाराम मुंडे का आयुक्त पद से तबादला होने से शहर के एक बड़े वर्ग में रोष दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन भी मुंडे का तबादला रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। आश्चर्य की बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई स्वयंसेवकों ने भी तबादले का विरोध किया, जबकि भाजपा के जनप्रतिनिधि उनका विरोध कर रहे हैं। उधर शिवसेना के मुख्यमंत्री होने पर भी पार्टी की युवा इकाई युवा सेना मुंडे के समर्थन में आ गया। कोविड की वजह से विसर्जन के दौरान निकाली जाने वाली यात्राओं व तालाबों में विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। तालाबों के चारों ओर टीम के शेड लगा दिए गए हैं। फिर भी कृत्रिम तालाब और टैंक की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को महापौर संदीप जोशी ने विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि घर में ही रहे श्री का विसर्जन करें। मनपा की तरफ से विसर्जन के लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। 22 मार्च से नागपुर में मेट्रो ट्रेनों की पहिए थम गए थे। पिछले 5 महीनों से शहरवासी महामेट्रो प्रशासन मेट्रो फिर से चलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा 7 सितंबर से मेट्रो सेवा बहाल करने बाबत लिए गए फैसले से यह उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार और मनपा प्रशासन से भी इस बारे में शीघ्र ही हरी झंडी मिल जाएगी। ऐसा होने पर माजी मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। नागपुर जिले में शनिवार को कोविड संक्रमित 1112 रोगी स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, साथ ही रोजाना मिलने वाले मरीज भी घटे हैं। इससे प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को कुछ राहत मिली। शनिवार को 921 नए संक्रमित मिले, इनमें शहर के 643 और ग्रामीण के 276 है, तो जिले के बाहर से 2 संक्रमित है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के जलाशय ओवरफ्लो हो गए। 30 साल में पहली बार रामटेक उप विभागीय तोतलाडो और नवेगांव खैर स्थित पेंच डैम के सभी गेट 5.5 मीटर तक खोले गए हैं। नतीजतन पेंच और कन्हान नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाने से गांव में पानी घुस गया है। मौदा कामठी पार्शुनी कोही तहसील के करीब 25 गाँव बुरी तरह से प्रभावित हुए।